नहीं, अब ये हमेशा मेरे से सवाल क्यों करते हैं अपोजिशन डिसिनिटी का? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ अपोजिशन यूनिटी का, और हमसे सवाल करना गलत है। अब कांग्रेस के एनसीपी के लोग भाग भाग कर चले गए शिवसेना बीजेपी में, तो मेरे से तो पूछ के नहीं गए वो लोग, इसका जिम्मेदार मैं ही नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस क्यों नहीं हुआ, वो इम्तियाज साहब हम लोग सब बता चुके हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई थी, बहरहाल सीट के ऊपर नहीं हो सका। मगर अपोजिशन में डिसयूनिटी है तो ये तो वो लोगों कौन, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि 2014 से 2018 तक महाराष्ट्र में 14,000 के करीब किसानों ने खुदकुशी की, 34,000 करोड़ का उन्होंने लोन माफी का ऐलान करने के बाद भी 4,500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, अपनी कमजोरियों पर बात नहीं करना चाहते, अपने जो वादे उन्होंने किए थे उस पर जो निभा नहीं सके उस पर करना नहीं चाहते। आज अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में 6% हो चुका है, इंडस्ट्रियल आउटपुट महाराष्ट्र में पहले के बनिस्बत कम हो चुका है, महंगाई जीएसटी का कलेक्शन कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि कितना कम हो चुका है। तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसका रास ताल्लुक एक गरीब आम हिंदुस्तानी से है, उसके ऊपर बात नहीं करके वो 370 के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। फिर लोकसभा के इलेक्शन के बाद खत्म हो गया, अब दोबारा होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे सिवाय जो मुसलमान के। हमारा बोलना यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा है, कि हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान हमको दिया है उन्होंने मजहब को इशू नहीं बनाया सिटीजनशिप को लेकर। तो ये तो जिना के टू नेशन थियोरी को आप मजबूत कर रहे हैं। जैसा कि कल पाकिस्तान में एक बिल लाया गया था जिसमें उन्होंने खुद उसको हरा दिया उस बिल को, कि सिवाय मुसलमान के कोई उस मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और ये मुल्क कोई थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब को मानता है, ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। और अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसराइल और जो ओल्ड रोडेशिया था, अब जो मौजूदा साउथ अफ्रीका है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, खुदा ना खास्ता हम उनकी लाइन में आकर ठहर जाएंगे।